हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिर्धाज रसोई। मैं हूँ पूजा मिर्धा और आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन और काला जामुन। तो इस रक्षाबंधन में आप ज़रूर से इस गुलाब जामुन को ट्राई कीजिएगा और सबके लिए बनाइएगा, तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसमें मैंने कुछ सीक्रेट चीज़ें डाली है जिससे बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बने हैं। आप देख सकते हो कितने रसीले बने हैं और परफेक्ट बने हैं। चलिए हम बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी के लिए। देखिए, मैंने इस तरह का गुलाब जामुन का पॉकेट ले लिया है। इसमें मेंशन किया है कि इससे 100 गुलाब जामुन बन जाएंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम घर में सबका मन भर जाए, बस इतने गुलाब जामुन ज़रूर से बन जाने चाहिए इससे। तो देखिए, इसमें मेंशन किया है कि चाशनी बनाने के लिए हमें 1.5 लीटर पानी और 1.5 किलो चीनी लेना है और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। बटर को मैं डाल रही हूँ एक बॉल में। इसको मैं हाथों से बिल्कुल भी मसलना नहीं है। आप हाथों से मसलोगे तो आधा तो हाथ में ही लग जाता है, तो हम इसे चम्मच से करेंगे। देखिए, मैंने बड़ा कप ले लिया है, उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है। अब आपके पास दूध ना हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। एक दूध पाउडर लेकर, एक पॉकेट दूध पाउडर लाइए और गुनगुने पानी में डालकर अच्छे से मिक्स कर ले इसको। इससे भी बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनते हैं। और अगर आपके पास दूध हो तो आप दूध ज़रूर से डाल दीजिएगा। एक कप दूध हमें इसमें चाहिए, बड़ा एक कप दूध। इसे अच्छे से मिक्स कर ले, इसको थोड़ा गुनगुना ही रखे। फिर हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे चम्मच से। हमें इस बैटर को थोड़ा गीला गीला सा करना है, एकदम हार्ड ना कीजिएगा। हार्ड करेंगे तो गुलाब जामुन बीच में से फट जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए इस बैटर को हमें थोड़ा सा गीला गीला करके ही रखना है। 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे अच्छे से मिक्स करके। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके डालकर इस तरह से मिक्स कर ले। फिर जितना भी दूध बचा है सारा डाल दे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करके रख दे। देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ढककर। और हम अभी चाशनी बनाए, तो अभी हम इस बर्तन में चाशनी बना लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर के करीब पानी और 1 किलो में चीनी डाल रही हूँ उसमें। देखिए, आप मेजरमेंट करके इस तरह से डाल दे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ इलायची, इस तरह से आप पाउडर करके भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ खुशबू के लिए, और थोड़ा इससे अच्छा कलर भी आ जाता है। इसको हमें अच्छे से उबाल लेना है, तो हमें इससे तार नहीं बनानी है। इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन जैसा ग्लो आना चाहिए, तब तक हमें इसको अच्छे से पका लेना है। तो चम्मच से थोड़ा सा इसे मिक्स कर ले, इस तरह से घुमाते रहे ताकि चीनी जो है मेल्ट हो जाए। फिर हम, जब तक चाशनी बन रही है तब तक हम डो बना लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, तो हमें लेना है छोटे से कटोरी में हमें घी ले लेना है और हाथों में इस तरह से लगाकर हमें थोड़ा थोड़ा करके, आप चम्मच से मेजरमेंट करके भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं इस तरह से ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हमें लेके लोई बना लेनी है गोल गोल करके। ज़्यादा हमें दबाना नहीं है, बस हल्के हाथों से हमें इस तरह से बना लेना है। हमारा जो बैटर है पहले से गीला है, तो इसमें हमें दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हल्के हल्के हाथों से ही बन जाती है। इसमें दरारें भी नहीं बनते हैं, इस तरह से आप अगर बैटर बनाते हो तो इसमें दरारें नहीं बनते हैं और ये फटते भी नहीं हैं। बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बनते हैं इससे। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से कुछ बना लिए हैं। इसे इसको हम पहले फ्राई कर लेंगे। तो मैंने लिया है एक कढ़ाई, उसमें हमें तेल डालना है।
अब ज़्यादा क्वांटिटी में ले थोड़ा तेल, क्योंकि अब कम क्वांटिटी में लेंगे तो गुलाब जामुन के ऊपर से फूल के निकल जाएगा और उसके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। तेल को ज़्यादा गरम ना करें, हल्का सा गरम कर लेना है, करना है। अगर आप ज़्यादा गरम करोगे तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रहेगा, अंदर से हार्ड बन जाएगा। इसलिए आप तेल को ज़्यादा गरम ना कीजिए, उसे हल्का ही गरम रहने दे और उसमें धीरे धीरे करके आप डाल दे एक एक करके, और एक साथ में ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमें। मैंने एक दो ऐसे ही लंबे लंबे करके डाले हैं। तो देखिए इस तरह से हमें डालना है। अभी हमें थोड़ा सा फ्लेम को हाई रखना है, फिर हम इसको कम कर देंगे हाई को। देखिए कितने अच्छे गोल गोल बने हैं, धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, बिल्कुल भी फटे नहीं हैं, दरारे भी नहीं आए हैं, एकदम गोल गोल बने हैं। देखिए थोड़ा तेल आपको ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, इसको हमें अभी, मैं काला जामुन बना रही हूँ ज़्यादा, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लूँगी, ब्लैक फ्राई कर लेना है हमें। आपको अगर मेरी रेसिपी गुलाब जामुन पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए हमारे गुलाब जामुन काला जामुन बन गए हैं। आपको गुलाब जामुन बनाना हो तो आप हल्का ही फ्राई करें, मैं काला जामुन बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से डार्क कर लेना है और हमारे चाशनी में डाल देना है। मैंने पहले डाले थे तो थोड़े फूल गए हैं, और ये मैं अभी डाल रही हूँ, तो ये देखिए ऊपर की तरफ और नीचे वाले हमारे फूल गए हैं। ये डबल बन जाते हैं इसलिए आप छोटे छोटे करके ही बनाइए, मैंने थोड़े बड़े बड़े करके डाले हैं। देखिए मैं ऊपर से थोड़ा गुलाब जल डाल रही हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। आप इस तरह से ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, रक्षाबंधन में सबको खिलाएगा मिठाई बनाकर। देखिए एकदम गोल बना है और दरारे भी नहीं आए हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब लास्ट में गुलाब जल ज़रूर से डालें, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे। देखिए कितना टेस्टी बना है, एकदम परफेक्ट रसगुल्ले बने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।